आराम से आराम से आराम से। भैया मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। लव मैरिज करके आने पर सास मुंह से तो कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन ऐसी ही प्रथा की आड़ लेकर पट से हेडशॉट जरूरी दे डालेंगी। अभी रुकिए और दिल थाम कर देखिए शादियों में घटी कुछ हैरतअंगेज और मजाकिया घटनाएं, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स इंडियन फनी वेडिंग मोमेंट्स वीडियो पार्ट 7। शादी में एक दूसरे को मिठाई खिलाने का रिवाज है, जिसमें अक्सर दूल्हे जरा ठेठ रवैया दिखाते हैं तो मिठाई खाने को मुंह नहीं खोलते, जैसे मानो कह रहे हो कि मुंह में तंबाकू भरा हुआ है, कैसे खाऊं। यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए दूल्हे राजा कैसे एनर्जी का सेवन कर रहे हैं। यही लोग फिर शादी के समय रसगुल्ला खाने से बचते हैं, वरना दोनों मिक्स हो जाएंगे। और अगर दूल्हे ने मुंह खोल दिया तो कई बार दुल्हन ठेठ निकलती है, लेकिन हमारे दुल्हों के पास इसका भी इंतजाम होता है। अच्छा, अच्छा बात बात दिलीप भैया बात। कई बार तो बेचारे सीधे दूल्हे रसगुल्ला खाने के चक्कर में अपना पोपट तक करवा बैठते हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन यहाँ दूल्हा थोड़ा ज्यादा बेशरम निकला और खुद मिठाई खाकर जब दुल्हन को बची हुई मिठाई खिलाने लगा तो उसने मुंह बना लिया और बोली, झूठा नहीं खाएगी, दूसरा खिलाओ। फिर क्या था, दूल्हे का ईगो हर्ट हो गया और उसने ठूस दी वही मिठाई मुंह में कि कैसे नहीं खाएगी। इसी प्रकार यहाँ दुल्हन के तेवर हाई, शायद मनपसंद दूल्हा न मिलने की वजह से दीदी सब फेंक मारने लगी। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ। शायद हमारी मम्मी इसी दिन के लिए कहती हैं कि अच्छे से खाया पिया करो वरना यही हाल होगा। अरे वाह, मेरी शादी हो गई, वो भी 16 साल की लड़की से, मजा आ गया, उठकर नाच लेता हूँ। चलो बैठ जाता हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, चलो बैठे बैठे ही एक बार नाच लेता हूँ। ये देखिए दूल्हे भाई साहब दो पैग मारकर खुद की शादी में माहौल कैसे बना डालते हैं। ऐसा डांस दादी तभी करती है जब बीमारी का नाटक करके पोते की जल्दी शादी करवा दे। आजकल लोग भी बारातियों का मनोरंजन करने के लिए पता नहीं क्या क्या इंतजाम करते हैं। मनोरंजन तो दूर, बेचारी को अटैक आते आते बचा है। ना डांस छूटे ना आइसक्रीम। दूल्हे के सामने पटाखा फूटने से दूल्हा ऐसा डरा कि खुद की बेइज्जती महसूस होने पर उसने दूसरों को डांट लगा दी। अब ये दुल्हन के एक्स की हरकत है या भगवान की, क्या पाना मुश्किल है।
मेकअप वाले भी कमाल करते हैं, बताइए। ऐसा मेकअप कर दिया कि आईफोन ने पहचानने से इनकार कर दिया। ओह नो, मेरा आईफोन मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सच में लॉक आ रहा है। ओह भाई ओ भाई। ऐसे दोस्तों को अपनी शादी में बुलाने से बचें, वरना पोपट करवा कर मानेंगे। वैसे ये सिचुएशन तो आपने भी कहीं ना कहीं शादी में फेस की होगी और गाली देने का मन किया होगा। बेचारी दुल्हन के चेहरे की डबल पुट्टी हो गई, एक बार मेकअप से दूसरी बार मिट्टी से। लगता है दुल्हन ने दूल्हे को नाक में उंगली करते देख लिया था, तभी अपना खाना अलग करके खाने लगी, जिस पर दूल्हे का ईगो हर्ट हो गया और देखिए उसने गुस्सा कैसे निकाला। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये रिवाज सट्टेबाज दूल्हे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ देखिए कम लंबाई वाले दुल्हन का भी इलाज है हमारे फोटोग्राफर भाई साहब के पास। यही फोटोग्राफर जब थककर थोड़ा पावर नैप लेने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बदले में घरातियों द्वारा इनके साथ क्या क्या किया जाता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारे दूल्हे भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। जैसे दूल्हा खुद की शादी में ही बाजा बजाकर जहां बारातियों का मनोरंजन के साथ साथ खर्चा बचा रहा है। वहीं ये दूल्हा तो लड़की की आवाज में गाकर खर्चा बचाने के साथ साथ कहर भी ढा रहा है। यहाँ जयमाला पर जिस स्पीड से काम हो रहा है, लग रहा है कि अगले दिन तक गुड न्यूज भी मिल जाएगी। शादी में एक दोस्त ऐसा हर कोई डिजर्व करता है जो ऐसा माहौल बना दे कि कैमरामैन भी काम छोड़कर डांस देखने लगे। दोस्त ये भी हीरे से कम नहीं है। बेचारे दुल्हन ने इतनी प्रैक्टिस की थी इस दिन के लिए, लेकिन दूल्हे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही लोग शादी को सर्कस बना डालते हैं। दूल्हा दुल्हन के स्टेप्स का खुद ही अकेले डांस करने का बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। अरे दीदी, इतना भी नहीं घूमना था कि सिर भी घूम जाए। देखिए क्या होता है जब पति आपको चढ़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। पंडित जी के एक्सप्रेशन देखने लायक थे।
एक पुराना समय था जब दुल्हन के फोटोशूट कुछ इस तरह से होते थे। लेकिन समय के बदलने के साथ आजकल तो फोटोशूट में नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे इस जिम्नास्टिक बहू का वेडिंग फोटोशूट भी। एक नजर इस फोटोशूट पर भी डाल लीजिए। यहाँ दुल्हन ने बड़ा खर्चा करके शानदार फोटोशूट के लिए कबूतर वगैरह मंगवाए, लेकिन एक कबूतर ने उसका ही पोपट कर डाला। यहाँ पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे हैं या भूत भगाने के, ये थोड़ा चर्चा का विषय है। जून 2023 में बिहार के अररिया जिले से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक लड़की घर वालों के खिलाफ जाकर अपने पसंद के लड़के से अंतर जातीय विवाह कर रही थी। लेकिन तभी शादी के ठीक बाद फिल्मी स्टाइल में सैकड़ों लोगों के बीच से लड़की के भाई उसे बाइक पर उठा कर ले गए, जिसके बाद पुलिस की मदद से उसे छुड़ाया गया। चौदह जून 2023 जौनपुर से प्रतापगढ़ बारात पहुंची। शाम के समय द्वार पूजा की रस्म पूरी हुई और जयमाला कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। तभी दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच में विवाद हो गया। घराती और बारातियों के बीच जमकर जूते चप्पल चले। वधु पक्ष का कहना था कि दूल्हे ने बुलेट की मांग कर दी, वहीं वर पक्ष का कहना था कि फोटो खिंचवाने को लेकर बात बिगड़ी। खैर जो भी हुआ, लेकिन दूल्हे को शेरवानी संग पेड़ से बांध दिया गया और कागज पर सारा शादी का खर्च लिख कर दूल्हे को थमा दिया गया, जो कि 17 लाख रुपए था। 7 लाख रुपए का भुगतान होने के बाद ही दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को छुटकारा मिला। भारी भरकम लहंगा पहनना तो हर दुल्हन चाहती है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दूल्हे के दोस्त जयमाला के वक्त उसे ऊपर उठाकर खुद को शेर समझ रहे थे, लेकिन जब दुल्हन के भाइयों ने दुल्हन को सोफे सहित दूल्हे से ऊपर उठा दिया तो सब देखते रह गए। ऐसा डांस तभी होता है जब घर वाले लव मैरिज के लिए राजी हो जाएं। अंकल को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर दुल्हन कौन है। खुद गोदी में घूमने वाले दुल्हों को अपने औकात से बाहर जाकर यार दोस्तों के बहकावों में आना सबके सामने भारी पड़ जाता है, जैसे इन्हें भारी दुल्हन उठाना भारी पड़ गया। आज भी दहेज में लड़की के घर वालों से मोटी रकम और तरह तरह के कीमती सामान मांगे जाते हैं। लड़के वालों की डिमांड न पूरी होने पर वो शादी तोड़ने की धमकी तक दे डालते हैं। ऐसा ही हुआ जब दुल्हन ने ससुराल पहुंचकर बाइक की मांग कर डाली ताकि दुल्हन को लेकर जा सके, लेकिन उससे बाइक स्टार्ट नहीं हुई, जिससे बेइज्जती करवाने के कारण अपने घर वालों से मार खानी पड़ी। वीडियो स्क्रिप्टेड है, लेकिन समाज में इससे एक बड़ा मैसेज अच्छा वाला जाता है। हमके गाड़ी चाहिए। हाँ गाड़ी चाहिए तब गाड़ी चाहिए। हाँ अरे भैया जब गाड़ी चाहिए तो तुमको। अच्छा ठीक है विदाई छात्रल है। ठीक है विदाई करा के चल। हम तो गाड़ी खरीद के देव, लेकिन यहाँ नौटंकी मत कर बाबूजी। हम कुछ ना जाइला, हमके गाड़ी चाहिए तो चाहिए सारा। हमसे झंडू बाम बाम लड़का ब्याह में गाड़ी पाओ थो आ हम पे गाड़ी का ब्याह करी। हाँ अरे वाह गाड़ी आ गई। ना कटक दे
अरे मर्दा तो गाड़ी ना चलावे आवेला हो गाड़ी ले बा कौन चतरा ला। पर दोस्तों जो भी कहो, भारतीय शादियां और यहाँ की संस्कृति में होने वाली रस्मों में जितना मजा आता है उतना शायद दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शादी में ना आए। पर ऐसी अभी बहुत सी फुटेज बाकी हैं जिनको देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में पार्ट 8 जरूर लिख देना। धन्यवाद। फेस रिवील के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।